अच्छा हो गया मानो तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ये देख, इतनी कोशिशें करने पर भी ये घर से बाहर जाने को तैयार नहीं। फिर से वो हमारे घर आ गई है। मानव मैं एक मिनट, तू मेरे साथ अंदर हो। श्रावणी तू डर मत, डर मत बेटा, इस घर की बहू सिर्फ तू है और तू ही रहेगी। आजा, आजा बेटा। अब क्यों आई हो तुम यहाँ? मानव एक मिनट, इस घर से जाने का फैसला किसका था अर्चना? तुम्हारा था ना? फिर आज क्यों आई हो? उस समय तो मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानी, और आज जब तुम्हारे बिना मैं रहने की कोशिश कर रहा हूँ, रहना सीख रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों आई? एक मिनट, अगर तुम ये सोचती हो कि तुम अपनी मर्जी से रिश्ते तोड़ या बना सकती हो तो तुम गलत सोचती हो। चली जाओ इस घर से, इस घर को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां से नहीं जाऊंगी मानव, मैं यहां रहने के लिए आई हूं हमेशा की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो। यही कि मैं आपसे प्यार करती हूं, बहुत प्यार मानव। अच्छा, ये एहसास कब हुआ तुम्हें? मानव प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। माना कि मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पर भले बुरे इल्जाम लगा, लेकिन यकीन मानिए मानव ये सब करते हुए मेरे दिल के किसी कोने में आपके लिए प्यार पनप रहा था। आपसे अलग होने के बाद भी मैं दिल से दिन रात आपके साथ थी, और उस दिन जब मुझे कोर्ट में सच्चाई का पता चला तो कैसी सच्चाई? यही कि मेरी बदनामी आपने नहीं वो सचित ने की थी। उस दिन जब कोर्ट में हमारे केस की आखिरी सुनवाई थी तो बाबा ने मुझे वो टेप सुनाया, और तब मुझे अजीत की सारी सच्चाई का पता चला। चुप, अब बहुत देर हो चुकी है, नहीं रह सकते। मानव हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं। क्यों मानव? क्योंकि अभी हालात बहुत बदल चुके हैं। ऐसे मत कहिए मानव, पर मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए, मुझे समझे मानव, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती मानव। कहा ना तुमसे कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे इस घर में छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं वहीं रह लूंगी, मैं फिर कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैं आपका गुस्सा आई की नफरत में सब सह लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से अलग मत कीजिए, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए मानव। मैंने कहा ना आप कुछ नहीं हो सकता, जो तुम मांग रही हो मैं नहीं दे सकता, इस घर में आप तुम नहीं रह सकते। लेकिन क्यों मानव? क्योंकि मैं श्रावणी के साथ शादी कर रहा हूं। शादी? श्रावणी क्यों? क्योंकि श्रावणी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। उस बच्चे के जान
पर शावनी की इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने गिरीश सर को यह वादा किया कि मैं उससे शादी करूंगा। तुम जिस रिश्ते को जोड़ने आई हो ना अर्जुन, वो कभी नहीं छोड़ सकता। बहुत देर लगा दी तुमने, श्रावणी के साथ शादी कर। श्रावणी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। मैं श्रावणी के साथ शादी कर। क्या पूछ रही, क्या ये सब तेरी मेहरबानी है? तेरी वजह से हमारा सचिन गया, तेरी वजह से मानव को श्रावणी के साथ शादी करनी पड़ रही है। अब तुझे समझा, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, तू निकल जा यहाँ से। अरे तू निकली नहीं ना ये बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे इस लड़की को बख्श दे, बख्श दे भाई, छोड़ दे। शांत हो जाओ। कोशिश करती हूं कि अर्चू के बारे में नहीं सोचूंगी। उसने फैसला किया है ना, तो वो और उसका नसीब। लेकिन ऐसा नहीं होता। बार बार रहकर मन में यही आता है कि कहां गलत थी मैं। आखिर ये सब मैं उसकी भलाई के लिए कह रही थी ना, इसमें मेरा कौन सा स्वार्थ था? सुलोचना, यहां तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है। किसी ने नहीं कहा है कि तुम गलत हो, यहां तक कि अर्जुन ने भी ऐसा नहीं कहा है। देखो सुलोचना, अर्जुन के प्रति तुम्हारी तड़प, तुम्हारा प्यार हम समझ सकते हैं। एक मां होने के नाते अपनी बेटी की चिंता होना स्वाभाविक है सुलोचना। लेकिन कुछ देर के लिए तुम उसकी जगह जाकर देखो और सोचो अर्जुन कहां गलत है। सुलोचना, हमारी अर्चू अब शादीशुदा है, अपने पति से बहुत प्यार करती है। वो अपने अपने पति को गलत समझकर उसने जो गलती की है उसका वो प्रायश्चित करना चाहती है। अपने पति के मन में उसके प्रति जो गलत फहमिया है उसे दूर करना वो अपना धर्म समझती है। इसमें क्या गलत है? हाँ लेकिन सुलोचना, अर्चू तुम्हारी बेटी है, उसमें तुम्हारे संस्कार है। रिश्ते क्या होते हैं, उसकी अहमियत क्या होती है वो अच्छी तरह से जानती है। और उन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए अपनी जान तक का खतरा ले सकती है। अरे ऐसी बेटी तो नसीब वालों को मिलती है सुलोचना। हमें तो उस पर गर्व होना चाहिए। उसके लिए और उसकी नई जिंदगी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन इन हालातों में वो वहां कैसे रहेगी? बहुत कुछ सहना पड़ सकता है उसे, बहुत कुछ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हंसते हंसते सह लेगी।
तुम देखना सुलझना, तुम देखना एक दिन हमारी अर्जु मानव के दिल में और सविता जी के मन में अपनी जगह बनाकर रहेगी। अहो लेकिन तब तक दामोदर जी है ना, वो अपनी अर्जु से अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते हैं। हाँ वो उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे सुलोचना, सब कुछ ठीक होगा सुलोचना, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो तुम्हारी बात को काट कर जाते हुए अर्जु को भी तो तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन फिर भी वो गई क्यों, उसे भी अपना घर और गृहस्थी खड़ी करनी थी। आई आई बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे, तू बेवजह ताई पर गुस्सा कर रही है। ताई ने कोई गलती नहीं की है, वो तो उसी रास्ते पर चल रही है जो रास्ता तूने उसे दिखाया। परशु तुझे जितना लगता है ना उतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुझे लग रहा है। आई हालात सुधरेंगे, मुझे तो लगता है हालात सुधर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब देखना, ताई उस घर में रहने के लिए चली गई। मैं मानती हूँ कि जीजू की आई ने जरूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा किया होगा, लेकिन आई इतनी देर हो गई ताई वापस तो नहीं आई। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ताई का वहां पे रहना उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? अच्छा चल एक काम करते, तेरी तसल्ली के लिए हम दोबारा फोन करते, पता चलेगा कि वहां के हालात कैसे हैं। आई एम श्योर नॉर्मल होंगे। हाँ वर्षा, ताई ताई तू कैसी है? जीजू से बात की? क्या कहा उन्होंने? मेरा मतलब है तेरा इस तरह वापस अचानक जाना, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं वर्षा, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। तो आई से कहना वो बिल्कुल चिंता ना करे, यहाँ कोई परेशानी नहीं है मुझे। और बाकी की बातें मैं तुझसे बाद में करती हूँ। ठीक है ताई, अपना ख्याल रखना। चल श्रामणी बेटा, इनकी तो नौटंकी ऐसे ही चलती रहेगी, तू चल अंदर। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुझे पता है ताई की आवाज भी एकदम नॉर्मल लग रही थी। सुलोचना अपनी अर्जु पर तुम्हें भरोसा है ना? मुझे अर्जु पर भरोसा है, लेकिन उसकी वो सास पर नहीं। और अर्जु भले ही कहे कि वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सगाई कब कर रहे हैं? मुझे लगता है आज और अभी हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए, एक नाटक करना है। ताई चाहती है कि आपकी और मेरी शादी हो जाए, और हमें उसे अब ये यकीन दिलाना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इतने दिन से मैं जो सपना देख रही थी ना, वो पूरा हो रहा है फाइनली। और मेरा सपना, उसके कुछ पूरा होने के चांसेस हैं या नहीं? मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। सतीश ये देख,
भाई इसमें है क्या? कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, मुझे सारी पसंद है, अब तू फाइनल कर दे तो बात आगे बढ़ाए। तुझे पता है ना सतीश, कब से ढूंढ रहे थे तेरी लड़कियां, अब जाके कुछ लड़कियां पसंद आई हैं सतीश, देख तो जरा। अरे तू जानती है? पता है मुझे, तू वर्षा से प्यार करता है। अरे तू सब कुछ जानती है फिर भी? ठीक है एक बात बता मुझे, तू वर्षा को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, क्या वर्षा तुझे प्यार करती है? नहीं, मुझे पता था, उसने तुझसे कुछ भी नहीं कहा है, तू अभी उसकी हाँ का इंतजार कर रहा होगा। क्यों? अरे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है उस लड़की के लिए? सतीश मैं तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी, आई हूं तेरी, मेरी बात पे ध्यान दे। आई मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ बेटा, अरे थोड़ा क्या, तू ढेर सारा वक्त ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तू हाँ कहेगा ना तब मैं आगे बढ़ूंगी। श्रावणी तुम्हें क्या कर रही हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। श्रावणी लेकिन, हाँ अर्चना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी और मानव की जिंदगी बर्बाद हो। आज यहाँ इस घर में जितनी भी परेशानियां हैं उन सब की वजह मैं हूँ, अगर मैं ही यहाँ नहीं रहूंगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मेरी और सचिन की गलती की सजा आप दोनों क्यों भुगते हैं? जो सुख आपका है, जिस घर पर, जिस रिश्ते पर आपका हक है, वो आपको ही मिलना चाहिए। नहीं श्रावणी, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी अर्चना, और वैसे भी मेरी वजह से। नहीं श्रावणी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। श्रावणी, पप्पा के दरबार में हर किसी के किए का लेखा जोखा होता है, वो कभी किसी एक की गलती की सजा दूसरे को नहीं देता। आज जो कुछ मैं भुगत रही हूँ ये मेरी गलती की सजा है। अगर मैं सही समय पर मानव की बातों पर विश्वास कर लेती तो शायद आज मुझे दिन ही नहीं देखना पड़ता, लेकिन अब मुझे इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मानव पर भरोसा ना करके मैं एक गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इस घर में रहकर मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहती। मतलब ये है कि अगर हम दोनों में से किसी एक का घर छोड़ना यही इस समस्या का हल है तो ये घर मैं छोड़ूंगी। नहीं अर्चना, ये घर आपका है। नहीं श्रावणी, ये घर मेरा था लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरी जगह मानव ने तुम्हें खुद देने का फैसला किया, और एक तरह से यही सही है। सचिन इस घर का बेटा था और तुम इस घर की होने वाली बहू, तुम्हारे और सचिन के बीच जो कुछ भी हुआ ना, सचिन के जाने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी मानव की है, और मानव कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते, ये बात तो तुम जानती हो ना श्रावणी। और फिर ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। लेकिन अर्चना, मानव और आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहे यही सही है, मानव तो मेरे कभी थे ही नहीं। नहीं श्रावणी, कुछ बातें ऐसी होती है जो तकदीर पर छोड़ देनी चाहिए, और इस बार तकदीर हमारा फैसला कर चुकी। मैं जाऊंगी और मैं जरूर जाऊंगी।